प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जमीनी स्तर पर कितना सार्थक है इसकी एक झलक से आज हम आपको वाकिफ करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। शिक्षा में सुधार और इसके प्रचार प्रसार के लिए कई करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी कई सरकारी स्कूलों की हालात खस्ता है। ऐसे के पास कई स्कूलों में भवन नहीं है, किसी के पास टीचर नहीं है, किसी के पास सुविधाएं नहीं है। ऐसा ही हाल है बीकानेर के इस स्कूल का, जहां बच्चे अ से अनार भले ही ना पढ़ते हो, लेकिन अ से अव्यवस्था और ब से बदहाली जरूर पढ़ते होंगे। ये नजारा है देश के भविष्य का, उनके शिक्षा स्तर का, जो आपको कई बार सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या ऐसे ही पढ़ेगा इंडिया, और अगर ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। तस्वीरें बीकानेर के रामपुर बस्ती की ख्वाजा कॉलोनी में बने राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय की है। यहाँ करीब 35 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल की खस्ता हालत की वजह से बच्चे स्कूल आते ही नहीं। ना तो यहाँ पीने का पानी है, ना बिजली, ना शौचालय की व्यवस्था। स्कूल भवन ऐसा कि बच्चे पेड़ के नीचे, आ से अव्यवस्था, बा से बर्बादी का आलम, ग से गंदगी और ज से जर्जर पढ़ने को मजबूर हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम कोई भी हो, बच्चों को ऐसे ही दो चार होना पड़ता है इस बदहाली से। गर्मी के दिनों में पारा 50 डिग्री के करीब होता है, लू के थपेड़ों के बीच बच्चे शिक्षित होते हैं। बड़ी बात तो ये कि जहाँ स्कूल लगता है वहाँ से महज 100 फीट की दूरी पर रेल लाइन गुजरती है, जो कभी भी हादसे की वजह बन सकती है। स्कूल के भवन के लिए विभाग को कई बार लिखित में शिकायत की गई, लेकिन भूमि नहीं होने के कारण बजट भी नहीं दिया गया। सरकार किसी भामाशाह से स्कूल के लिए जमीन लेने के प्रयास में है। ना तो पढ़ाई मिलती है, ना ही मिड डे मील का पोषाहार। अब तो बच्चों के माता पिता भी परेशान हैं कि कहां जाएं और कैसे पढ़ाएं बच्चों को। जिस स्कूल में बैठने के लिए भवन ना हो, ना ही सरकारी पोषाहार की सुविधा, ऐसे में सर्व शिक्षा अभियान हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का सपना हो, या शिक्षा के लिए किए जा रहे बाकी प्रचार प्रसार, सब बेमानी साबित हो जाते हैं। त्रिभुवन रंगा, जी मीडिया।